व्हाइट हाउस में दिखा मोदी नीति का दम। रूस यूक्रेन युद्ध पर व्हाइट हाउस के प्रवक्ता ने कहा, हम चाहते हैं पीएम मोदी पुतिन से बात करें। अमेरिका में एक और संदिग्ध हवाई खतरे का शूट डाउन। अलास्का में 40,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहे हाई अल्टीट्यूड ऑब्जेक्ट को अमेरिकी वायुसेना की नॉर्दर्न कमान ने मार गिराया। तुर्की और सीरिया में भूकंप से मरने वालों का आंकड़ा 24,000 के पार पहुंचा। 80,000 से ज्यादा घायल अभी भी मलबे में दबे हैं हजारों लोग। भूकंप भूमि से एबीपी न्यूज की वर्ल्ड एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।